चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या कर रहे थे भैया? हम ओके, हम कौन थे भाई? हम कौन थे बोलो भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और हम कर क्या रहे थे? उंगलू को बिजनेस सिखा रहे थे। कहाँ पे पहुंचे हुए थे? हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है भाई, जल्दी से बताएं। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल। रजिस्टर की तरह खोलो, रजिस्टर खोलो, बॉल पेन की तरह। हाँ, नोट करो साहब, मैं गोगलू। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कितनी थी? कौन कौन से? बिजनेस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। नॉट फॉर प्रॉफिट की कितने टाइप्स थी? दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जिसको 100% फंडिंग जो है वो कहां से आ रही हो? गवर्नमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, इस तरह हमारी आर्मी, हाफिज साहब, ये सब क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इनको आप लोग पैसे देते हो क्या? कभी चंदा दिया है आपने हाफिज साहब को? नहीं। अच्छा, और प्राइवेट सेक्टर? नॉट 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट। जिनको हो सकता है कुछ फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही हो, कुछ प्राइवेट पार्टी से आ रही हो, जिसमें फॉर एग्जाम्पल ईदी है, शौकत खाना है, और एनजीओ के डी पिना होता है, ये भी एनजीओ है सारी। हाँ जी, अलखिदमत, हिलाल अहमद, और बस चल। ओके, ये हमारी होती है प्राइवेट सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स थी? तीन टाइप्स थी। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर क्या होती है? किस तरह के बिजनेस कहते हैं? ऐसा बिजनेस जिसका ऑर्डर क्या होता है? एक ऑर्डर होता है और साइज स्मॉल होता है और फ्री एम्प्लॉइज होते हैं और एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये इसके जो काम करना होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। सारा कंट्रोल किसका होता है? सारे प्रॉफिट किसके होते हैं? सारी लायबिलिटी किसकी होती है? ऑनर की होती है। इसका क्या मतलब है? क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? ऑनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है भाई? पूरी डेफिनेशन बताओ। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स जॉइंट एग्रीमेंट्स। मतलब पर बताओ आगे प्रॉफिट। ठीक है, और तीन थे, तीन बेसिकली मेजर पॉइंट है। इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी ऑन अ बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट्स। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ओके, पार्टनरशिप के ओनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या कहलाती है? पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। शाबाश। अच्छा जी, यहां पे सारे प्रॉफिट्स किसके होते हैं? पार्टनर्स के होते हैं। क्या फर्म का कोई अलहदा वजूद है पार्टनरशिप का? नहीं। कोई सेपरेट एंटिटी है पार्टनरशिप? नहीं। ऑनर ही उसके क्या होते हैं? पार्टनर ही उसके ऑनर होते हैं। तो तमाम लाइबिलिटीज के लिए पार्टनरशिप के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। शाबाश, चल। मतलब यह है कि सारे पार्टनर बिजनेस के तमाम कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी बात है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक कर्जा लिया। बिजनेस ने कर्जा लिया से मुराद यह है कि उसने किसी पार्टनर ने लिया होगा, किसी मैनेजर ने लिया होगा। एक पार्टनरशिप है, उसने कर्जा लिया।
अब एक पार्टनर ने कर्जा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वापस करने की? फर्म की, उस पार्टनर की, किसकी? बात फिर से सुन, हम पार्टनर की आपस में बात नहीं कर रहे, आपस में क्या अरेंजमेंट है वो तो एग्रीमेंट के अंदर होगी। आपने किसी थर्ड पार्टी से, बैंक से जाके कर्जा लिया, अब ये कर्जा वापस करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पार्टनर, किसकी, कौन से पार्टनर? दूसरे के मशवरे से लिया है तो देखो, जब ये कर्जा लेने गया कि आपने नाम पे लेने गया या फर्म के नाम पे? फर्म के नाम पे, तो बैंक में जा रहा क्या कसूर है? वो इसे तो नहीं दे रहा, वो किसे दे रहा है? और फर्म से क्या मुराद? कौन सा पार्टनर? ऑल पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप जब कर्जा लेती है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी को है पहले नंबर पे कौन रिस्पॉन्सिबल है कर्जा वापस करने की? फर्म, खुद बिजनेस वापस करे। और अगर बिजनेस वापस नहीं कर पाता अब कौन करेगा? पार्टनर। अब कौन सा पार्टनर? जिसने लिया है। जिसने लिया है, अगर वो नहीं है तो दूसरे से नहीं, फिर कैसे होगा? ये तो गलत। क्या कर्जा उसने अपनी जेब में डालने के लिए लिया था? तो फिर सारा उसके लिए क्यों? देखो, फर्म का डिसीजन क्या वो अकेला कर रहा है? नहीं, तीन पार्टनर है तो तीनों डिसीजन कर रहे हैं ना। वो बेचारा क्या कर्जा लिया है, वो फंस गया क्या अकेला? हालांकि जो कर्जे के पैसे लगे उसके डिसीजन तो आप साथ में मिलकर किए होंगे, तो उसका क्या कसूर है भाई? उससे क्यों वापस ले? बेटा फर्म तो नहीं दे सकी ना, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिजनेस की है, वो वापस करे ना। बिजनेस वापस नहीं कर सकता, अब किससे लेगा वो कर्जा? फर्म के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिजनेस के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पार्टनर से रिस्पॉन्सिबल है ना। क्वेश्चन ये है कि कौन सा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है? तमाम पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, थर्ड पार्टी। अगर कोई बिजनेस कर्जा लेता है तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो कर्जा वापस करना? बिजनेस की अपनी है, बिजनेस खुद वापस करेगा। लेकिन अगर बिजनेस नहीं कर पाता, उसको प्रॉफिट नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अब किसने वापस करना है? पार्टनर्स ने। कौन से पार्टनर ने? ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर ने इक्वली वो कर्जा वापस करना है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, रुके, नोट ना करें, थोड़ा रुके, सारे। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई तीनों इक्वली पार्टनर है, ए बी सी तीनों पार्टनर है, कर्जा है 9 लाख का, सबने कितना कितना वापस करना? 3-3 लाख सबने वापस करना, ऐसी बात है? यस सर। तीन लाख कर्जा सबने वापस करना ऐसी बात है ओके 3 लाख का कर्जा लेने के लिए भाई ये गया था आपने इसको भेजा अच्छा तरला कर लेता बिना तरला तेज भी है इसने जाके बैंक मैनेजर को कहानियां शानियां डाल डोल के कर्जा ले लिया कर्जा खा पी फर्म वापस कर्जा दे नहीं सकती तो बैंक अब आ गया फर्म के अंदर। पहली बात, वो आप तीनों को पकड़े और आप तीनों से इक्वली कर्जा निकाल। लेकिन ये भाई बड़ा तेज और फ्रॉडी किस्म का इंसान था, इसे पता चल गया कि बैंक अब जो है शामत आने वाली है। ये भाई साहब गायब हो गया, अमेरिका भाग गया, सीधा भी जरा था। अब बैंक आया है कर्जा वापस करने के लिए, आप ये तो नहीं, ऐसी बात है? अब कौन कौन मौजूद है? अब आपसे कितना कर्जा वो लेगा? आपका अपना हिसाब? नहीं, 9 लाख, 4.5 लाख इससे निकलवाएगा, 4.5 लाख इससे निकलवाएगा। लेकिन साथ में ये भी फ्रॉडी था, इसे भी पता चल गया, और ये लंदन भाग गया भाई, वो बेचारा गरीब हाथ में आ गया। अब इससे बैंक कितना कर्जा निकलवाएगा? सारे का सारा कर्जा इसी से निकलवाएगा, जितना निकल सकता है, गन्ने की मशीन में डाल के दोबारा डबल करके गन्ने की मशीन में डाल के जो इससे निकल सकता है ये इससे निकलवाएगा। समझ रही बात? तो लिहाजा तमाम पार्टनर लायबल होते हैं इक्वली, म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिवली। मतलब सारे पार्टनर किस तरह रिस्पॉन्सिबल होंगे? सारे इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, सारे मिलके इक्वल अमाउंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली अगर अकेला भी पकड़ा जाता है तो सारी अमाउंट उससे भी निकाली जा सकती है, वो अकेला भी उतनी ही अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल होगा अगर हाथ आ गया तो। सर अगर ये वाला निकल गया या मर गया है
इनको मार सकता था ना, मैंने नहीं मारा, मैंने भगा दिया भाई, थोड़ा हल्का हाथ रखो यार, दहशतगर्द इंसान सीधा ही मार दिया। तीसरे वाला भी भाग गया, यार। हेलो, क्या नाम है आपका बच्चे? ऐसे बुलाए तीसरे पार्टनर को, सी को? वो शायन। आपका नाम क्या? शायन। शायन भाई, इसे माफी शाफी मांग लो, ये बंदा आपने मुझे मार गया, ये मारने के चक्कर में कोई गुस्सा तो नहीं है, मुझे लगता है आपकी फुफा इसे आपकी सिपाही देके भेजा है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे से आगे नहीं निकलना चाहिए इसे। देखो बेटा, पहली बात क्या कहते हैं, अगर तो पार्टनर सारे गायब हुए हैं तो कोई मसला नहीं, पर उनकी जिदाद को पकड़ा, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो बैंक उसको सेव करके उसमें से पैसे निकलवा सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और भाई का एक्सीडेंट होकर आके आपने मार भी दिया है तो फिर बैंक का कर्जा डेड हो जाता है, फिर कुछ उसका ठीक हो गया। पर एक रिपोर्टिव वो तो प्रविया तो मौजूद होती है ना कि ना मिले वापस, तो आपने उस बेचारे को मार डाला है, अब वो जो है वापस नहीं करेगा कर्जा, बैंक के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि इस भाई ने अकेले तो 9 लाख पे कर दिया, अब बैठ के रो रहा है, इसके अपने कोई राइट नहीं है, अब क्या? तो इसके राइट्स हैं, ये फिर इन दोनों को पकड़ के इन दोनों से इनका अपना अपना हिस्सा निकलवा सकता है। अगर उसके हाथ में ये अकेला आएगा तो उससे कितने निकलवा लेगा ये अपने? 4.5 लाख। अगर ये दोनों हाथ आ जाते हैं तो फिर दोनों से 3-3 लाख निकलवा के आपस में, तो इनके आपस के राइट डिफरेंट है, इनके थर्ड पार्टीज की तरफ राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, आपस में ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये म्यूचुअली और एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है। इकट्ठे होंगे तो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई अकेला होगा तो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन होगा बिजनेस के तमाम कर्जों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? पार्टनर्स। क्या उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी? अनलिमिटेड होगी। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब अगली एक चीज है हमारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बेटा हमने कल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, डेफिनेशंस देखी थी, आज हम टाइप्स देखते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 जनरल पार्टनरशिप, नंबर 2 लिमिटेड पार्टनरशिप, और नंबर 3 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है? 3 तरह की। यानी से एक पेज ही उधार ले लो, ये आपका दोस्त है, हॉस्टल में नोट कर लेगा। इतना आप पे इतबार होता क्या? आप इतने पढ़ने वाले मेहनती होते एमडी क्या बना जाते निगमो? लेजर रजिस्टर लेके आया, हमें कोई भरोसा नहीं है कि आपने जाके पढ़ना नहीं पढ़ना, अपना काम यहीं पे करके जाएगा, ठीक हो गया? ओके जी, तो जनरल रूल क्या है पार्टनरशिप के अंदर? तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो वो पार्टनरशिप जिनमें तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसे क्या कहते हैं? जनरल पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर लायबिलिटी अनलिमिटेड, समझ आ गए? लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें एटलीस्ट 1 पार्टनर लाइबिलिटी लिमिटेड एंड 1 पार्टनर लाइबिलिटी अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कोई पार्टनर ये कह सकता है कि भाई मैं बिजनेस के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा, और आप लोग अगर एग्री कर लेते हो, जैसे कि ये 3 पार्टनर थे, ठीक है, इन्होंने आप बिजनेस करना था, इस भाई के पास पैसा बहुत ज्यादा था,
लेकिन इस भाई को डर था कि कल को फर्म ने कर्जा ना दिया तो मेरी हड्डियां इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकती और अमेरिका के वीजे भी बंद हुए पड़े, अब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगा। तो ये अगर ये शर्त रखना चाहे कि जनाब मैं जो है बिजनेस के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब मैं अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर रहा, समझ आई? मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सनली नहीं होगा, जितने पैसे मैंने आपको दे दिए ये गए तो गए, इससे ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं किसी किस्म के कर्जे वापस करने के लिए। इसने अपनी लाइबिलिटी को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। बाकी दो पार्टनर क्या रह जाएंगे, अनलिमिटेड, मतलब बिजनेस के फिर सिर्फ तमाम कर्जों के लिए कितने पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, दो पार्टनर। ये वाला पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो एक ऐसी पार्टनरशिप हो जिसमें अगर कोई पार्टनर अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर लेता, एटलीस्ट वन पार्टनर अगर लिमिट कर लेते तो कौन सी फर्म हो जाती है, लिमिटेड पार्टनरशिप उसे कहते हैं। कोई क्वेश्चन यहां तक? किसी को यह लग रहा हो कि भाई क्यों इसकी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, भाई उसकी मर्जी, उन्होंने मान लिया, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, तो किसी को क्या प्रॉब्लम भाई? सर तो फिर प्रॉफिट भी कम है। किसको? पार्टनर जो लिमिट कर रहा है। देखो ना, ये आपने एग्री कर, अगर आपने शेयरिंग कम कर ली एग्री तो कोई मसला नहीं, आप कम दें उसे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली इस तरह होता है कि प्रॉफिट कम नहीं होता, बेसिकली फिर आप उससे फर्म के डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। ये वाला पार्टनर फर्म के डिसीजन का पार्ट नहीं होता क्योंकि इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये तो बड़े खुलकर डिसीजन करेगा, वो दोनों पास जाएंगे बेचारे, तो फिर ये मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट की रेशियो आपने खुद डिसाइड कर, देखो लॉ ने कोई रेशियो प्रॉफिट की नहीं, अगर तो आप कोई डिसाइड नहीं करते तो लॉ क्या कहता है, इक्वली कर लो, नहीं तो लॉ प्रेफर करता है आपको डिसाइड कर लो कि किस पार्टनर को कितना परसेंट शेयर प्रॉफिट का मिलना है, तो आप जितना एग्री कर लेंगे बस वो पार्टनरशिप बन गई। समझ आ गई बात? कोई और क्वेश्चन? ओके, इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन भाई ये तीनों ही फ्रॉडी है, हम सबको पता है, ऐसी बात है, इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है कि कोई भी कर्जा लेके खा के भाग सकता है, और ये तीनों कह रहे हैं कि यार हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कर्जों के लिए, मतलब ये तीनों अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर देते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर्स लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड, तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। समझ आ गई बात? तो अगला क्वेश्चन कि भाई सारे पार्टनर ने अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड कर ली, अब कौन जिम्मेदार होगा? समझ आई बात? तो भाई वाकई ही ये जिम्मेदार नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो उसका क्या कसूर है, वो कर्जा दे बैठे, उसे बिजनेस कर ले, बाद में पैसे लेने आए, पार्टनर कहे हम तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, तो लिहाजा फिर ऐसी सूरत में लॉ बीच में आता है। वो कहता है कि आपने जब भी किसी पार्टी के साथ डील कर रहे, जब भी किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहे, किसी किस्म की भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपने इन्वॉल्व होना है, तो आपने लाजमी उस पार्टी को बताना है कि आप क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब आपने अपने नाम के साथ LLP मस्ट लिखना है, ताकि अगले बंदे को पहले से पता हो कि भाई ये कूकत है, इसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पैसे वापस नहीं मिल रहे, वो फिर अपने रिस्क के ऊपर काम करे तो करे, नहीं करना तो वो ना करे। समझ आ गई बात? तो लिहाजा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जल्दी से रिवाइज कराए, पार्टनरशिप क्या हुआ भाई, विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट। हाँ जी, आप पढ़े जल्दी से पार्टनरशिप की डेफिनेशन, नहीं क्यों नोट, कल क्या कर रहे थे आप क्लास में, मस्त मलंग, जल्दी पढ़ो, पहले से लिख के पढ़ो फिर लिखते रहना। हाँ जी, पार्टनरशिप क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स शाबाश। और टाइप्स कितनी है, तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से, शाबाश, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, ऑल पार्टनर लाइबिलिटी, गरीबों वाली अल्फाज में
सारे पार्टनर्स बिजनेस के तमाम कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? इक्वली नहीं, तीन वर्ड लिखवाए थे, इक्वली म्यूचुअली और एक्सक्लूसिवली। तीन तरह के लायबिलिटी होते हैं, इक्वल, म्यूचुअल, एक्सक्लूसिव। तीनों इकट्ठे अलग अलग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? वन पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड, वन पार्टनर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो तो उसे क्या कहते हैं हम? लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाने का क्या मतलब है? गरीबों वाली डेफिनेशन, गरीबों वाले अल्फाज में मुझे समझाएं। हाँ, कोई नहीं, जो पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड, इसका क्या मतलब है कि वो पार्टनर बिजनेस के कर्जों के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो है उसके लिए क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जो नहीं है उसे क्या कहते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और थर्ड क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी, मतलब कोई भी पार्टनर बिजनेस के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसे क्या कहते हैं हम? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। अच्छा जी, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं फर्म्स में? 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर फर्म के अंदर कितने हो सकते हैं? उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक बिजनेस के अंदर 20 से ज्यादा ऑनर एक पार्टनरशिप के अंदर नहीं हो सकते, एक्सेप्ट जो प्रोफेशनल फर्म होती है। प्रोफेशनल फर्म, उनके पार्टनर अनलिमिटेड हो सकते हैं, मतलब 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला नहीं है। ये कौन सा? नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 से ज्यादा हो सकते हैं, समझा गई? प्रोफेशनल फर्म कौन सी फर्म होती है? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, हमारे लॉयर्स की फर्म जो होती है, वैल्यूअर्स की फर्म होती है, इस तरह के जो प्रोफेशनल काम कर रखते हैं लोग, उनके अंदर जो पार्टनर्स है उनकी तादाद 20 तक लिमिटेड नहीं है। बाकी तमाम पार्टनरशिप के केस में तादाद क्या है? लिमिटेड अप टू 20 है। शाबाश, क्लियर है यहां तक बच्चा? बुक में आ जाए जल्दी से। पार्टनरशिप हमने कहां तक पढ़ा था? स्टार्टिंग किया था पार्टनरशिप। चले लास्ट कॉर्नर बॉय पढ़े बेटा, पार्टनरशिप में जाओ। चलो किसके बेटा? मैंने बता दिया था। अच्छा, डिसएडवांटेज नहीं पढ़े था? ओके, पहले डिसएडवांटेज पढ़े सोल प्रोपाइटर। हाँ जी, पहला काम क्या है कि ऑनर की लाइबिलिटी क्या होती है? मतलब बिजनेस के तमाम धंधों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑनर। तो ये एक नुकसान है। पढ़िए, क्रेडिटर्स जिनको कहते हैं, वो लोग जिनसे आपने पैसा लिया होता है, जिनको आपने पैसे देने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। अगर आप क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे सकते, द ऑनर मे बी फोर्स, फिर आप ऑनर को पर्सनली उनसे पैसे ऑनर से निकलवाए जा सकते हैं। पढ़े, अच्छा जी, वो कहते हैं कि अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो कोई अपने कर्जे ना पे करे तो फिर किससे निकलवाए जाएंगे? ऑनर की कार, किडनी, जो भी बिकता है, बेच बूझ के उसके अपने कर्जे वापस करेंगे। are banks, friends and family, or its
और हिज ओन हर फंड्स। हाँ जी, सोल प्रोप्राइटर को कहते हैं नॉर्मली पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहते उसके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, या तो ओनर अपने जेब से डाल सकते हैं, ओनर के पास कितना भी पैसा होगा, या शायद हो सकता है एक दो फ्रेंड या बैंक वाले दे दें, ज्यादातर उसके पास सोर्सेज नहीं होते पैसे के, और बैंक वाले भी नॉर्मली सोल ट्रेडर को कोई बड़ा कर्जा नहीं देते, क्योंकि वो कर्जा वापस करने वाला सिर्फ एक ही तो बंदा है, ऑनर, वो भाई है, उसका भी तो एक्सीडेंट करा के मार दिया है, तो बेचारे बैंक को कहाँ पैसे मिलेंगे। नॉर्मली पार्टनरशिप को बड़ा कर्जा दे देते हैं, क्योंकि एक अगर इधर उधर हो भी जाता है दो तो हाथ में आ ही जाएंगे ना, उसमें रिस्क कम होता है। हाँ जी चले आगे। हाँ जी, इस पैराग्राफ के अंदर शायर फरमाता है कि जो सोल ट्रेडर है उसको नॉर्मली पैसे इकट्ठे करने में भी मसला होता है। क्या क्या मसले होते हैं? पहली बात कि भाई उसकी बेचारे के पास एक ही सोर्स होता है खर्चे का, कौन सा? उसका कितना खर्चा निकलवा सकते हो यार अब उसे, और दूसरी बार मान लो महीने में तो पूछने लग जाते हैं वो किधर गए, क्या कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो किसी फ्रेंड से मांग सकता है या बैंक उसे कोई छोटी मोटी अमाउंट कर्जा देगा, बैंक भी बड़ी अमाउंट कर्जा नहीं देता क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, और अगर कर्जा बैंक देता भी है तो फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है बनिस्बत कंपनीज या पार्टनरशिप के निस्बत, क्यों? रिस्क ज्यादा है। अच्छा, जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक आपको कर्जा देता है उसके ऊपर वो एक इंटरेस्ट रेट आपको कोट करता है, वो इंटरेस्ट रेट कैसे कोट करते हैं? क्या सब लोगों को एक ही इंटरेस्ट रेट देता है वो? तो कैसे डिसाइड करता है? ना, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। केड़ा एसेट? बिजनेस का सर। हां सुना होगा, बस सुने सुना अल्फाज चिपकाई जा रहे उस्ताद को। बिजनेस को देखता है, बिजनेस बड़ा बिजनेस बड़ा है छोटा है उस, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा सा कंसाइज करें इसे। मुख्तलिफ रेट वो देता है, हो सकता है कि आप दोनों इक्वल फुटिंग वाले बंदे भी वहां पे जाके बैठे हो और वो रेट डिफरेंट हो गया है। भाई मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आपसे तो मिलूंगा 40%, लेना है तो लो नहीं तो बाहर निकल जाए। देखो बेटा, बैंक जो इंटरेस्ट रेट कोट करता है वो बेसिकली कैलकुलेट करता है तीन फैक्टर की बेसिस के ऊपर, ये जाके आगे आप बीएफटी में पढ़ेंगे तीसरे लेवल पे। तीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे इंटरेस्ट रेट का पैदा कैलकुलेशन होती है, अंदाजे या तो के नहीं होते। तीन फैक्टर्स की बेस पे इंटरेस्ट रेट होता है। नंबर वन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसा वक्त के साथ अपनी वैल्यू लूज करता है क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो इस हिसाब से क्या कहते हैं इसको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आजकल क्या इन्फ्लेशन चल रही है? आई थिंक 16% के राउंड हो गए, वैसे तो 10-11% कहते हैं, लेकिन 16-17% है इन्फ्लेशन। हर साल पैसा इतनी वैल्यू अपनी लूज कर जाएगा। अगर तो वो आपको 1 लाख रुपया देता है तो वो साल बाद 1 लाख नहीं होगा, बल्कि वो अपनी 17% वैल्यू लूज कर चुका होगा। तो से के वो 17% तो आपसे ये चार्ज करेगा, वो क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो इन्फ्लेशन की वजह से। और ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, इस अमाउंट को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ये हर क्लाइंट को इक्वली चार्ज होता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है जो इन्वॉल्व इंटरेस्ट के अंदर, वो होते हैं बैंक चार्जेस। बैंक अपनी फीस भी तो लेता है, और ये भी नॉर्मली फिक्स होती है कि 1% ऑफ द अमाउंट होती है या 2% ऑफ द अमाउंट, ये भी आप चेंज नहीं करते क्योंकि ये भी तकरीबन तमाम क्लाइंट्स को सेम देनी होती है। ये दूसरा फैक्टर है। यहां तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट रेट कितना हो चुका है? 18%। अगर आप कर्जा लेने जाए तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट लेगा आपसे? 18% लेगा। लेकिन एक तीसरा फैक्टर है, और वो क्या है? रिस्क। ये रिस्क कितना है इस कर्ज में? तो अब ये चीज जो है ना, ये कम या ज्यादा की जा सकती है। जैसे आप कर्जा लेने जाएं, उसे कहे भाई मुझे कर्जा चाहिए, डॉन वाले तरीके से, तो उसे कहते हैं भाई ये टेंशन है, ये बंदा वापस नहीं कर रहा, तो वो आपको रिस्क आपका जब हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट वो आपको क्या करेगा? हाई कोट करेगा। लेकिन आप प्रॉपर तरला फेस बना के जाते हैं, मिनत है
वो कहते हैं वापस नहीं करोगे, अल्लाह की कसम वापस कर दूंगा। वो कहते हैं नहीं फिर भी नहीं करोगे, फिर भी आप करते हो थोड़ा बहुत वहां पे इतमार कर लेते, तो अब रिस्क कम होगा, इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा। तीसरा मजीद आप अगर ये करना चाहते हो तो उसे कहो कि भाई ये मेरी किडनी अपने पास रख ले एज अ सिक्योरिटी, जब मैं कर्जा वापस करूंगा तो तुम एक किडनी दे दो, अब रिस्क और भी कम होगी। तो लिहाजा इस फैक्टर्स को आप नॉर्मली रिड्यूस कर सकते होते हैं, 2%, 3%, 4%, जो भी वो रिस्क जिस हिसाब से कम या ज्यादा होता जाएगा ये चेंज होगा, और इसका टोटल वो फिर आपको एज अ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। समझ आई? तो बैंक इस तरह से कैलकुलेशन करता है। तो सोल प्रोप्राइटर को नॉर्मली इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है या कम? ज्यादा लगता है। क्यों? रिस्क हाई होता है। क्यों? अकेला ही बंदा है, पाई जाना लगता है, हो गया तो कम हो गया, ठीक हो गया। चले जी पढ़े आगे, शाबाश। मतलब एक कार सिक्योरिटी तो अंदर खाते नॉर्मली सोल ट्रेडर को है, फिर अपने कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है बैंक के पास। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, और अदर रियल एस्टेट और अदर पर्सनल एसेट्स टू गारंटी द लोन। इफ द बिजनेस फेल्स द ओनर विल लूज द पर्सनल एसेट्स एज वेल एज बिजनेस पब्लिकली ऑनर्ड ऑन ऑन कॉर्पोरेशंस इन कंट्रास्ट can not only obtain fund from commercial banks but can sell stocks and bonds to the public to raise money. If a public company goes out of business, the owners do not lose personal assets as their liabilities attribute to their shareholding. हाँ जी, इस पैराग्राफ में शायर फरमाता है कि नॉर्मली सोल ट्रेडर को अपनी कार, अपने पर्सनल एसेट्स, अपनी किडनी गिरवी रखनी पड़ती है कर्जा लेने के लिए, और कल को अगर बिजनेस कर्जा वापस नहीं करेगा तो ऑनर के हाथ से कार भी जाएगी और बिजनेस भी गया। लेकिन दूसरी साइड में वो कहते हैं कि जो बड़े बिजनेसेस वगैरह होते हैं, देखो ऑनर तो फिर जो सोल ट्रेडर है वो तो नॉर्मली यहीं से कर्जा ले सकता है ना, अपनी जेब से डाल सकता है या बैंक शैंक से कर्जा ले सकता है, और कहीं से उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन वो कहते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज, वो बैंकों से भी ले सकती हैं कर्जा, ऑनर से भी ले सकती हैं, और जनरल पब्लिक को भी शेयर सेल करके कर्जे शेयर से पैसे शेयर से का अरेंज कर सकती हैं। तो उनके पास ज्यादा सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल होते हैं बनिस्बत किसके? सोल ट्रेडर के। तो लिहाजा सोल ट्रेडर को डिसएडवांटेज होता है फंड रेज करने में कि वो ज्यादा अमाउंट, एक लिमिट से ऊपर ज्यादा अमाउंट रेज नहीं कर सकता। शाबाश। अगला हाँ जी, एक ही बंदा है उस बेचारे के पास कितनी स्किल्स हो सकती है? एक ही बंदा है, एक ही ऑनर है, लिमिट स्किल्स एक बंदे के पास एक या दो स्किल होगी। अब एक ही जो बंदा है वो अकाउंटेंट तो नहीं हो सकता, साथ में मैन्युफैक्चरर भी हो, अकाउंटेंट भी हो, कैशियर भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, लिमिटेड स्किल्स होती है। और दूसरी भी चीज ये है, अगला पॉइंट होगा वो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर्स को हाईली क्वालिफाइड बंदे ज्वाइन भी नहीं करते, क्योंकि उस बिजनेस के अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी ग्रोथ नहीं होती, तो लोग उसको फिर क्वालिफाइड स्किल्ड लोग भी ज्वाइन नहीं करते। तो लिहाजा स्किल्ड स्टाफ भी हायर करना सोल ट्रेडर के लिए बड़ा मसला होता है, मुश्किल होता है। हाँ पुत्र, क्वेश्चन था आपका, हो गया ऐसे सबर क्या करो, हम आंसर हो जाएगा, आगे चले। Bookkeeping and personal management specialized professionals such as accountants or attorneys वकीलों को कहते हैं can be hired by business for help or advice. Sometimes sole proprietors need assistance with certain business functions. हाँ जी, यही वही ये कह रहा है कि यार देखो एक ही ऑनर है बेचारे के पास स्किल्स होती नहीं है, एक ही स्किल होगी, बाकी कामों के लिए उसे फिर ये अकाउंटेंट्स अटॉर्नीज हायर करने पड़ेंगे, और नॉर्मली वो लोग भी सोल ट्रेडर के अंदर फिर आसानी से नहीं जॉब करने के लिए आते, तो ये भी नुकसान है, डिसएडवांटेज। आगे चले, शाबाश। The serious illness of the owner could result in failure of the business if competent help cannot be found. It is difficult to arrange for the sale of a proprietorship and at the same time assure the customer that the business will continue to meet their needs. हाँ जी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने आपको बताया था कि ऑनर जब तक जिंदा है बिजनेस चल रहा है, ऑनर मर गया तो क्या बिजनेस चलता रहेगा? लॉ की नजर में बिजनेस
बंद हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली हो सकता है वही उसका बेटा बैठ के चलाना शुरू कर दे, लेकिन लॉ की नजर में वो नया बिजनेस होगा, पुराना बिजनेस खत्म हो चुका है, तो लिहाजा कंटिन्यूटी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। नॉर्मली जैसे ही ऑनर साइड पे होता है तो ये बिजनेस मेजरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑनर के ऊपर। वो कब तक जिंदा है, चलता फिरता रहता है, कब तक एक्टिव है, तब तक काम चलता रहेगा। जैसे ही ऑनर गया बिजनेस गया, आगे चले। हाँ जी, ये मैंने कल पार्ट एक्सप्लेन कर दिया वैसे पढ़ लें। It is usually difficult for a small road proprietorship to match the aids and benefits offered by a large competing corporation because the proprietorship profits may not be as high. In addition, there is a little room for advancement in a sole proprietorship, so the owner may have difficulty attracting and retaining qualified employees. हाँ जी, वो कहते हैं जो क्वालिफाइड और बड़े और स्किल्ड लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करना सोल प्रोप्राइटर के लिए मुश्किल होता है। क्यों? नंबर वन तो वो उतनी तनख्वाह नहीं दे सकता जितनी तनख्वाह मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी ऑफर कर सकती है। दूसरे नंबर पे वहां पे जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो भी बड़े लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो नॉर्मली प्रेफर भी उसको नहीं करते कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए और वहां पे जॉब करें। आगे चले जी, टैक्सेशन। टैक्सेशन वाला पॉइंट बचा, देखो हमने टैक्सेशन वाला पॉइंट फायदे में भी पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का, एडवांटेज में था कि नहीं था? क्या था? लोअर टैक्सेशन, ऐसी बात है। अब डिसएडवांटेज में भी टैक्सेशन आ गया। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर पे टैक्स लगते हैं ना वो लगते हैं, अच्छा ये हमारा टॉपिक टैक्स का इंशाल्लाह क्या था आपको मैं पढ़ाऊंगा, पर से समझा देता हूँ कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उन पे टैक्स रेट लगते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपके टैक्स रेट भी बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो आप पे टैक्स रेट लगेगा 0%। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा और 12 लाख से कम है तो आप पे टैक्स रेट लगेगा 5%। इसी तरह 12 लाख से ज्यादा और 24 लाख से कम है तो आप पे टैक्स रेट तकरीबन 15%। और ये करते 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 एक स्टेज आती है, ये राउंड अबाउट 39 to 40% हो गए। 40% तक भी अगर आपकी इनकम 30 मिलियन से क्रॉस कर जाती है, 20 मिलियन से क्रॉस कर जाती है, तो 5-6-7 मिलियन से ऊपर जो है आपका टैक्स रेट क्या रहता है 40% तक जाता है। लेकिन दूसरी साइड में जो कंपनीज होती हैं उन पे एक स्ट्रेट टैक्स रेट लगता है 20%। अगर तो सोल ट्रेडर आपका बिजनेस छोटा है, स्टार्ट में है, मतलब आपकी इनकम इन स्लैब्स में आ रही है, तो आपके लिए फायदा है टैक्स में, क्यों आपके टैक्स। लेकिन आपकी इनकम एक स्लैब्स क्रॉस कर गई है अब आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप कंपनीज के रेट कम हो जाते हैं और यहां पर रेट ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा टैक्सेशन सोल प्रोप्राइटर के लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा कम है जब उसकी इनकम कम है, जब उसका साइज छोटा है, लेकिन नुकसान कब है, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है एक स्पेसिफिक लिमिट से, तो उसके टैक्स रेट कंपनी से भी ज्यादा हो जाते हैं। पढ़े शाबाश। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन एज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कैन आल्सो बी अ डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन द प्रोप्राइटर्स इनकम एंड द मार्जिनल टैक्स rate of corporations. However, sole proprietorships avoid the double taxation that occurs with corporations. The tax effect often determines whether a sole proprietor chooses to incorporate his or her business. Although we listed taxation as an advantage, मतलब हम पहले as an advantage पढ़ चुके हैं, so it can also be disadvantage depending on the proprietor income. अगर income कम है तो फायदा, income ज्यादा होगी तो नुकसान होगा। एंड द मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन जो कंपनीज है उनका टैक्स रेट कितना है, 29% है। उसके मुकाबले में देखना होगा, अगर इनकम कम है तो फायदा है, इनकम ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा। हाउएवर फिर भी सोल प्रोप्राइटरशिप को फायदा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर के प्रॉफिट होते हैं वो किसके होते हैं, क्या सोल प्रोप्राइटर ने अपनी इनकम पे खुद टैक्स देना होता है, बिजनेस में खुद देना होता है, नहीं किसने देना होता है, ऑनर ने ही देना होता है। जिसकी जितनी इनकम होती है, हो सकता है उसके 6 बिजनेस है, 8 बिजनेस है, वो सारे एक ही हाथ के अंदर आएंगे और एक ही जगह पे सारे टैक्स होंगे, जबकि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है वो किसका होता है,
वो कंपनी का होता है क्योंकि उसकी अलहदा अपनी पहचान बन चुकी है, हमने पढ़ा था देखा था, वही का अलहदा पर्सन है, तो उसकी इनकम किसकी है, उसकी अपनी है, उसके प्रॉफिट पे टैक्स कौन देगा, उसके ऑर्डर या कंपनी खुद, कंपनी खुद देगी, तो कंपनी अपनी प्रॉफिट्स पे टैक्स खुद जमा कराती है, फिर जो प्रॉफिट बच जाते हैं वो क्या करती है उस प्रॉफिट का कंपनी उसमें से कुछ बजट बच अपने ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये प्रॉफिट जब ऑनर के पास जाता है तो तब ये फिर ऑनर की इनकम बनता है, ऑनर दोबारा उस इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं, समझ आई। पहले एक बार कंपनी टैक्स देती है, फिर उसके ऊपर जब ऑनर के हाथ में जाते हैं तो ऑनर की इनकम भी तो बाद में बनती है, फिर उसके ऊपर ऑनर दोबारा टैक्स देते हैं। ठीक है, बिजनेस बिजनेस से एक दफा तो कंपनी बड़ा शुक्र करो क्वेश्चन करने पे टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, हाफिज साहब की हुकूमत रही तो अल्लाह के बंदे एक्सटेंशन आ रही है, एक साइड पे काजी साहब एक साइड पे हाफिज साहब, इतना बोला मैं कह रहा हूँ लालू लाल कर देना उन्होंने आप लोगों को टैक्स ले ले। अभी तो सबर करो, इफेक्टिवली इस टाइम हम लोग तकरीबन 53% अपनी इनकम का टैक्स में देते हैं। आप 100 रुपया कमाते हैं और जब उसे खर्चते हैं तो आपको 47 रुपए की चीज मिलती है और 53 रुपए आपसे टैक्स के फॉर्म में काट लिए जाते हैं। गरीब लोगों इन्वेस्ट करो, समझ आ गई बात। ओके, तो ये सोल प्रोप्राइटर के डिसएडवांटेज है। कोई क्वेश्चन ये वैल्यू कांस्टेंट है सर, जी बच्चा ये वैल्यू कांस्टेंट है, टैक्स तो कौन सा 12 लाख है, इनकम तो उसमें 5 लाख आप टैक्स पढ़ रहे हो, बार ऊपर वाले रेट ठीक लिखे, नीचे जाते हुए कॉम्प्लेक्स होता है, फिर मैंने शॉर्ट से लिख लिए, कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह इतना सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टेबल होते हैं और ये पूरे साल के लिए फिक्स होते हैं, हर साल नया टैक्स रेट आता है। अभी के लिए ये पहले वाले 2 स्लैब सिंपल है, मैंने इसलिए उस तरह लिख दिए, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है मैंने उस तरह लिख दिए, बाकी पहले वाला फिक्स है। हाँ जी, अब आ जाए पार्टनरशिप के ऊपर, पढ़े जी। A partnership exists where the ownership of a business is shared by at least two people. In most cases, the maximum number of partners is 20. Although there are some exceptions. Exceptions. देखो, partnership exist कब करती है? जब business share होता है। कितने कम से कम लोग होने चाहिए partnership में? दो। maximum? 20. और एक्सेप्शन क्या है? प्रोफेशनल फर्म, इनकी तादाद क्या है? अनलिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। आगे सर, सोलेस्टर, सोलेस्टर के भी वकील लोगों को कहते हैं। बिजनेस दैट इज को ओन बाय द बाय टू और मोर पीपल इज रेफर्ड टू एज अ पार्टनरशिप, द को ओनर ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फर्म। हां जी, क्लियर है वाली लाइन? समझ आ गई, आगे चले। The parties agree either orally or ideally in writing. हाँ जी, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए या ऑरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। हाँ जी, पार्टनर एग्रीमेंट दोनों फॉर्म में हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, अगर दो लोग आपस में बोल के एग्री कर लेते हैं तो एग्रीमेंट उनके दरमियान है, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि कल जब आप कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको जस्टिफाई करना आसान हो जाता है, दूसरे केसेस में चीजें वो क्या कहते हैं जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। आगे चलो, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ जॉइंट एंटरप्राइज, अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेलिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट लेटर बाद वाले प्रिवेंट बचना कॉन्फ्लिक्ट्स मसाइल बिटवीन पार्टीज। हां जी, वो कहता है कि नॉर्मली लॉ क्या कहता है चीजों को राइटिंग में करो ताकि बाद में किसी किस्म के अगर भी मसले मसाइल होते हैं तो उनसे बचा जा सके। एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी लाइबिलिटीज, राइट्स, टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी होनी चाहिए। आगे चलें। सच एग्रीमेंट टिपिकली इंक्लूड द नेम ऑफ द पार्टनरशिप, इट्स पर्पस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर फाइनेंशियल। हाँ जी, वो जो एग्रीमेंट होता है वो कहते हैं उसके अंदर नॉर्मली क्या कुछ लिखा जाता है, पार्टीज के नाम होते हैं, उनके उसके राइट्स लाइबिलिटीज होते हैं, कौन बंदा कितने पैसे लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा, कितनी स्किल लगाएगा, ये सारी चीजें उन एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। आगे चले जी। इट्स आल्सो आउटलाइन द रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर एंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर, मतलब उनकी सैलरी, उनके बेनिफिट्स, उनका शेयर, प्रॉफिट के अंदर कमीशन, बोनस, कुछ इस तरह की चीजें मिलनी है तो वो भी उसी एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। आगे चले। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब कंडीशंस, टर्म्स, बीच में क्लॉजेस,
provision for the addition of new partner, the sale of partner interest and procedures for dissolving the business and this डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स. वो कहता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर और कौन कौन सी चीजें लिखी होती है, ये भी लिखा होता है कि अगर नया पार्टनर आएगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से अगर हमारे दरमियान में कन्फ्लिक्ट आ गया तो हम उसको सॉल्व करेंगे, कौन सी अदालत में जा सकते हैं कौन से में नहीं जा सकते, कोई तीसरा बंदा बीच में ऐड करना है कि नहीं. फिर इसी तरह अगर पार्टनरशिप को बंद भी करना पड़ गया तो उसका तरीकाकार भी क्या होगा. डिसॉल्विंग का मतलब फर्म को बंद करना, अगर बंद भी करना पड़ता है. ये भी सारा कुछ कहां पे लिखा जाता है, किधर लिखा जाता है? एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है. शाबाश, आगे चलें जी. देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. शाबाश, अभी तक उसने कौन सी पार्टनरशिप बताई है? दो, जनरल और आगे चलें. जनरल पार्टनरशिप में बहुत सारे बीच शेयर का मैनेजमेंट होता है. ओनर्स इन अ जनरल पार्टनरशिप, ईच पार्टनर हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेब्ट्स. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते जाएं. लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है जिसमें एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो? Unlimited और है कि unlimited. शाबाश. Limited partnership is just for risky investment projects where the chance of loss is great. The general partner accepts the risk of loss. The limited partner loses are limited to their initial investment. हाँ जी, वो कहते हैं किस तरह की फर्म के अंदर बिजनेस के कर्जों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? जनरल पार्टनर्स होंगे जिनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. जो कि लिमिटेड वाला है वो बिजनेस के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया बस वही है, अगर वो डूब जाते हैं कोई मसला नहीं है, अपने इन्वेस्टमेंट तक रिस्पॉन्सिबल है, उससे आगे पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी किडनी शिडनियां नहीं बेची जा सकती. आगे फिर ये मसला है, जो लिमिटेड पार्टनर अगर वो रिस्क नहीं ले रहा तो फिर उसके रिवार्ड भी नहीं है, वो कंपनी की मैनेजमेंट का, फर्म की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होगा, वो डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता. शाबाश, आगे चलें. बट शेयर द प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. वो सिर्फ प्रॉफिट लेता है बाहर बैठ के बस. यूजुअली द जनरल पार्टनर इज अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर द लिमिटेड पार्टनर्स हैव रिसीव्ड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. पॉपुलर एग्जांपल इज आर ऑयल ड्रिलिंग पार्टनरशिप एंड रियल एस्टेट पार्टनरशिप. शाबाश, आगे चलें जी. देयर आर आल्सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्हिच आर सिमिलर टू अ जनरल पार्टनरशिप. हाँ जी, तो पार्टनर्स क्या होते हैं? सारे लिमिटेड होते हैं, मतलब किसी किसम की डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इनको LLP भी कहा जाता है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? चले, कल एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के आइएगा, हम इंशाल्लाह मजीद आगे करेंगे. अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे. पुत्र, अल्लाह हाफिज़.